आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम था 2021, ये लागू हो चुका है। और इसमें कहा जा रहा है कि एक तरह से दिल्ली के जो निर्वाचित, एक तरह से आप कहिए कि अरविंद केजरीवाल साहब हैं या दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होता है, उसकी शक्तियों को कम करेगा। और जो आप देखते हैं ना कि उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाएगा ये अधिनियम। और आप समझ रहे हैं कि किस तरह से अभी कोरोना महामारी चल रही है, और आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की हालत कोई अच्छी नहीं है, फिर भी आप समझिए कि इन दोनों के बीच अगर विवाद होता है, तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो आम आदमी को। मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आम मतलब हम और आपका नुकसान होगा, ठीक है। और आप समझ सकते हैं कि जब एक तरह से आप जानिए कि राज्यपाल यानी कि या उपराज्यपाल, आप देखते हैं राज्यों में राज्यपाल होता है और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वह उपराज्यपाल, या कई केंद्र शासित प्रदेश में आपको प्रशासक के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो आप समझिए कि जो मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है, चुनाव लड़ता है, वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है। आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल ने अगर काम नहीं किया तो अगली बार जनता उन्हें नहीं चुनेगी। लेकिन आप सोच के देखिए कि राज्यपाल या उपराज्यपाल के पास शक्ति हो और वो काम ना करे, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा? वो जनता के प्रति जवाबदेह थोड़ी होगा, वो तो नियुक्त किया जा रहा है, उस पर कोई लेना नहीं देना उसे रहेगा। तो देखिए, इसीलिए विवाद का कारण भी बना हुआ है। और मैंने पहले भी आप लोगों से बोला था कि ये आराम से इस बिल को पास करवा लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा में इनके पास काफ़ी अच्छा बहुमत है और राज्यसभा में ये व्यवस्था कर लेते हैं, जोड़ तोड़ से ये आसानी से कर लेते हैं व्यवस्था, ठीक है। तो आप देखेंगे, ये है हमारा प्यारा भारत, और इसमें आप देखेंगे एशिया में, ये है हमारा प्यारा भारत, ये पूरी पृथ्वी। अपने पड़ोसियों को भी देख लीजिए एक बार, ये आपका श्रीलंका हो गया, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, ये नेपाल, अभी आप देख रहे हैं काफ़ी हमारी, हमें मदद की बात भी कर रहे हैं हमारे पड़ोसी भी, ऊपर चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और सबसे कम सीमा हमारी लगती है अफगानिस्तान से, पीओके वाला जो पाकिस्तान के कब्जे में है, और सबसे ज़्यादा लगती है हमारी बांग्लादेश से। इसमें आप देखेंगे तो हमारी राजधानी भी है नई दिल्ली, तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें ये दो राज्य इससे सीमा लगाते हैं, एक तो इसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से, दूसरी हरियाणा से। यहाँ आप लोग आसानी से देख सकते हैं, देखिए ये आपका नई दिल्ली और ये आपका उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, ये हरियाणा। इसलिए बोल रहा हूँ, इसीलिए दिखाता हूँ आप लोगों को मैप्स, क्योंकि कई बार आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है या उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, इस तरह भी के भी क्वेश्चंस कई बार कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये आप लोग क्रम से एक बार याद क्या करना कि सभी राज्यों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। कई बार पूछ लेता है कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगती है, नेपाल से मतलब किन किन राज्यों की सीमा लगती है, इन सब के बारे में वैसे आपको मैप्स में बता भी चुका हूँ, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इसके दिल्ली के बारे में एक दो पॉइंट और आपको याद रखना होगा, यहाँ राज्यसभा सीटें आपको 3 देखने को मिलेगी, और लोकसभा सीटों की बात करें तो 7 देखने को मिलेगी, और विधानसभा सीटों की बात करें तो 70 देखने को मिलेगी, 70, ठीक है। और यह अधिनियम अगर हम लोग इसकी बात करें, इसमें क्या क्या प्रावधान है उन्हें भी आप लोग देख लीजिए, और विवाद क्यों खड़ा हुआ है आखिर, इसकी आलोचना क्यों की जा रही है उसे भी देख लेते हैं। यह अधिनियम वर्ष 1991 के अधिनियम की धारा 21, 24, 33 और 44 में संशोधन करता है, और इसके तहत आप देखेंगे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सरकार का आशय उपराज्यपाल से होगा। अभी तक आप समझिए कि एक तरह से सरकार का मतलब होता है कि मुख्यमंत्री, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अब इसका मतलब होगा सरकार का मतलब उपराज्यपाल। तो आप समझिए कि एक तरह से जनता के चुनने का कोई मतलब भी तो नहीं रहेगा, कि आप किसी को नियुक्त कर दे रहे हैं किसी राज्यपाल या उपराज्यपाल को, वहां आप समझ सकते हैं कि उसके पास पूरी शक्ति पहुंच जाएंगी, फिर विवाद खड़ा हो जाएगा। और यह अधिनियम उन मामलों में भी राज्यपाल को विवेकाधीन अधिकार देता है जिन मामलों में दिल्ली की विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो इस पर भी आप लोग देखेंगे यहां भी विवाद छिड़ा रहेगा, और आने वाले दिनों में भी आप लोगों को साफ साफ दिखाई देने लगेगा कि किस तरह से इन दोनों में तानातानी चल रही है, ठीक है। और यह विधेयक सुनिश्चित करता है कि मंत्रिपरिषद अथवा दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को लागू करने से पूर्व उपराज्यपाल को अपनी राय देने हेतु उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाए।
यानी कि आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के जो विधायक चुने गए हैं, जो अरविंद केजरीवाल की मंत्रिमंडल जो भी बनाया गया है, वो अगर कोई निर्णय लेता है तो उसे हर निर्णय को उपराज्यपाल साहब के पास भेजना होगा, और आप समझिए वहाँ भी एक तरह से टांग अड़ाते रहेंगे। तो इस पर भी ये आलोचना की जा रही है, और यह विधानसभा या उसकी समितियों को दैनिक प्रशासन से संबंधित मामलों को उठाने या फिर प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में पूछताछ करने के लिए नियम बनाने से रोकता है। तो ये भी एक विवाद खड़ा हुआ है, ठीक है। और आप समझिए कि बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि साफ मतलब क्लियर शक्ति बताने के लिए कि कौन राज्यपाल की है कौन मुख्यमंत्री की, इसलिए ये बिल लाया गया है या अधिनियम अब बन चुका है आपका। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जब तक आपका लोकसभा और राज्यसभा में रहता है तब तक ये बिल विधेयक कहलाता है, ठीक है। और जैसे ही आप देखेंगे कि इस पर आपके राष्ट्र दोनों जगह से पास हो जाता है, राज्यसभा लोकसभा, और राष्ट्रपति की सहमति मिलती है यानी कि हस्ताक्षर होते हैं, ये एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, ठीक है। अब इसकी आलोचना क्यों की जा रही है? इस नए संशोधन से दिल्ली सरकार की कार्यक्षमता प्रभावित होगी, और क्योंकि अब किसी तत्काल कार्यवाही के समय भी उपराज्यपाल से परामर्श लेना अनिवार्य होगा। आप समझिए कि कोई जरूरी काम है उस समय आप समझ सकते हैं कि हाल में ही निर्णय लेना है, तो अरविंद केजरीवाल के पास अब कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि वो तुरंत उसमें निर्णय ले सके। उन्हें उपराज्यपाल से परामर्श लेना अनिवार्य होगा, और अनिवार्य का मतलब आप समझते हैं ना। याद रहे कि उपराज्यपाल राज्य सरकार को एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपनी राय देने के लिए बाध्य भी नहीं है। उपराज्यपाल चाहे तो एक लंबे समय तक उस तरह की जो भी राय मांग रहे हैं उस पर राय ना दें, या फिर कोई प्रस्ताव इन्होंने भेजा है अरविंद केजरीवाल के या मुख्यमंत्री के द्वारा, आने वाले समय में भी विवाद देखा जाएगा, ठीक है। तो राज्यपाल के पास कोई ऐसा समय नहीं दिया जाएगा राज्यपाल के द्वारा, वो लंबे समय तक भी रख सकता है। आलोचकों का तर्क है कि उपराज्यपाल सरकार के प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने हेतु इन शक्तियों का राजनीतिक रूप से दुरुपयोग कर सकता है, और आप भी जानते हैं इसे बेहतर कि ऊपर राज्यपाल हों या फिर राज्यपालों का, जो भी केंद्र सरकार रहती है वो हमेशा इनका दुरुपयोग करती है। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इससे पहले आप लोग कांग्रेस के समय में भी चले जाइए तो राज्यपालों का दुरुपयोग कई बार किया जाता है। यह असंघवाद की भावना के विरोध भी होगा ये एक्ट। केंद्र सरकार क्या कह रही है इसे भी देख लीजिए आप लोग। यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के जुलाई 2018 के निर्णय के रूप में है, और जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की शक्तियों को स्पष्ट किया गया है। जुलाई 2018 में याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर कर भी दिया था कि उपराज्यपाल की ये शक्तियां होंगी और मुख्यमंत्री की ये शक्तियां होंगी, और मुख्यमंत्री को पावर दी गई थी, क्योंकि पावर देने का मतलब आप समझिए कि जनता चुन रही है और जनता के प्रति मुख्यमंत्री साहब जवाबदेह भी होते हैं, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री उपराज्यपाल की शक्तियों को स्पष्ट किया गया था, और इस अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ावा देना और रोजमर्रा के प्रशासन से संबंधित तकनीकी अस्पष्टताओं को दूर करना है, और इससे दिल्ली की प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच बेहतर संबंध सुनिश्चित हो सकेंगे। आपसे क्वेश्चंस यहाँ से कई बार बन जाता है, अगर आपकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना भी है और बनते रहे हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991। इस वर्ष 1991 में विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मंत्रिपरिषद से संबंधित संविधान के प्रावधान के पूरक के रूप में लागू किया गया था, यानी कि यहाँ भी विधानसभा की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम ने दिल्ली में एक निर्वाचित सरकार के गठन की प्रक्रिया को सक्षम किया था, और सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में वर्ष 1991 के अधिनियम की सराहना करते हुए कहा था कि संविधान के 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 का वास्तविक उद्देश्य एक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधि सरकार का गठन सुनिश्चित करना है, और जिसमें आम लोगों को प्रदेश से संबंधित कानून पर अपनी राय देने का अधिकार हो। हालांकि यह संपूर्ण प्रक्रिया संविधान में निर्धारित नियमों के अधिक अधिक होगी। एक तरह से आप समझिए कि दिल्ली के रहने वाले लोगों को अपना विधायक चुनने का, अपना मुख्यमंत्री चुनने का एक तरह से उन्हें निर्णय दिया गया है इस अधिनियम के तहत, ठीक है, कि वो भी अपना एक विधायक चुन सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, पुडुचेरी को छोड़ दीजिए, दिल्ली को छोड़ दीजिए और जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ अपनी विधानसभा भी है और इनका मुख्यमंत्री भी होता है। लेकिन आप दूसरे राज्यों में जाइए, केंद्र शासित प्रदेशों में, तो वहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती, वहाँ इस तरह की विधानसभा नहीं होती है, ठीक है।
अभी जो आपका नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जम्मू कश्मीर से अलग करके, आपने देखा है ना कि दोनों आपके जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख भी, तो लद्दाख में कोई नहीं व्यवस्था नहीं होगी, वहाँ एक प्रशासक या राज्यपाल होगा, उपराज्यपाल, और आप देखेंगे कि विधानसभा नहीं होगी लद्दाख में, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की अगर बात करें तो इस संशोधन के द्वारा संविधान में दो नए अनुच्छेद 239A और 239AB जोड़े गए थे, जिसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। तो इन दोनों अनुच्छेदों को भी याद रखिए और 69वां संविधान संशोधन को भी याद रखिए। अनुच्छेद 239AA क्या कहता था, इसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया और इसके प्रशासक को उपराज्यपाल नाम दिया गया और दिल्ली के लिए विधानसभा की व्यवस्था की गई, जो पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अभी आप देखते होंगे कि 7वीं अनुसूची में आपको 3 सूचियां देखने को मिलेगी, राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। आप जानते हैं राज्य सूची के विषय पर आप देखते हैं कि राज्य सरकारें कानून बनाती हैं और संघ सूची के विषय पर आप देखते हैं कि केंद्र सरकार कानून बनाती है। संवर्ती सूची के विषय पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन सबसे प्रभावशाली कानून रहेगा किसका, केंद्र सरकार का। अगर दोनों में टकराव होता है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, लेकिन दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसलिए आप लोगों को याद रखना होगा कि जो राज्य सूची के विषय हैं इनमें कुछ अपवाद हैं जिन पर आपकी केंद्र सरकार कानून बनाती है। कौन कौन से हैं इसमें? एक तो आप देखेंगे इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपकी पुलिस हो गई, आप जानते हैं कि दिल्ली के अंडर, दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती है यहाँ की पुलिस, बाकी आप उत्तर प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश, ये इनकी मध्य प्रदेश सरकार के, मतलब यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के अंडर में पुलिस आती है, लेकिन दिल्ली के मामले में अलग है, ठीक है। एक भूमि का मामला हो गया और एक लोक व्यवस्था, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, राज्य सरकार के अंडर में नहीं आते। इन पर अगर कोई कानून बनाना है, कोई काम करना है, तो केंद्र सरकार ही कर पाएगी, दिल्ली सरकार के पास अधिकार नहीं है, ठीक है। यह दिल्ली के लिए एक मंत्री परिषद का भी प्रावधान करता है, जिसमें मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। अनुच्छेद 239AB क्या कहता है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 239AA के किसी भी प्रावधान या इसके अनुसरण में बनाए गए किसी भी कानून के किसी भी प्रावधान के संचालन को निलंबित कर सकता है, और यह प्रावधान अनुच्छेद 356 जिसमें आप देखते हैं राष्ट्रपति शासन जैसा हुआ। और याद रखिए काफी, यहाँ एक तरह से आप राष्ट्रपति साहब काफी प्रमुख हो जाते हैं यहाँ, ठीक है। टकराव की अगर बिंदुओं की हम लोग बात करें तो राजधानी दिल्ली में सत्ता के बंटवारे को लेकर कई वर्षों से मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच तनातनी बनी हुई है। जुलाई 2018 से पहले आप काफी देखते थे कि दोनों में एक तरह से टकराव देखने को मिलता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद काफी कुछ एक तरह से निर्धारित हो गई दी सकती है, लेकिन आप देखेंगे अभी ये एक्ट आने के बाद फिर से वही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ठीक है। और इन टकराव में आप देखेंगे टकराव का केंद्र बिंदु यह था कि किसी भी मामले पर उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद होने पर उपराज्यपाल द्वारा संबंधित मामलों को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता था और लंबित मामले की स्थिति में उपराज्यपाल को अपने विवेक के मुताबिक उस मामले पर कार्रवाई करने का अधिकार था। और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय क्या दिया था, इसे भी आप लोग देख लीजिए। दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ और अन्य 2018 बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सरकार अपने निर्णयों को उपराज्यपाल की सहमति लेने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट एक, आप कह सकते हैं कि आपकी जो भी अधिकार हैं उनकी बात करता है, और आप समझ सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्या कहा है कि सरकार, अगर दिल्ली सरकार कोई निर्णय लेता है तो हर निर्णय के लिए उसे उपराज्यपाल की सहमति लेने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जरूरी है और दिल्ली का मुख्यमंत्री एक तरह से जनता के प्रति जवाबदेह है, वो क्या करता है ये मायने रखता है। उपराज्यपाल के पास आप कह सकते हैं कि अपनी कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि वो अगर काम नहीं करते तो आगे उन्हें कहीं जवाब देना पड़ेगा, उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और दोनों पक्षों के बीच किसी भी मतभेद को प्रतिनिधि सरकार और सहकारी संघवाद की संवैधानिक विधानता को ध्यान में रखते हुए हल किया जाना चाहिए, और इस निर्णय ने उपराज्यपाल के लिए राष्ट्रपति के पास किसी भी मामले को भेजना बेहद कठिन बना दिया था, और काफी एक तरह से आप कह सकते हैं कि साफ कर दिया था हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने।
लेकिन आपने देखा है कि ये यात्रा आने के बाद केंद्र सरकार जो भी अभी सत्ता में है फिर से बवाल खड़ा कर रही है। तो आने वाले में देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन इस तरह के जो भी टॉपिक रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? तो इन्हें आप लोग याद रखिए इन पॉइंटों को।